class 5. Today we will be learning about the HCF and LCM. That is your chapter number 5. We will be learning about HCF, that is highest common factorization. HCF ka matlab hota hai highest common factorization or LCM. LCM yani least common multiple. एक के फैक्टर्स निकाले और दूसरे का मल्टीपल्स देखना कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से रहते हैं, राइट? तो HCF की अगर हम बात करें, HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, हम आज HCF को लर्न करेंगे. सो हम आज HCF की बात करनी है, हमें KFC को नहीं याद रखना, हमें HCF को याद रखना अभी के लिए, राइट? सो हियर HCF, अगर कोई नंबर है जैसे कि मैं ले रहा हूं 64, अगर हमें 64 के फैक्टराइजेशंस चाहिए, 64 के हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए कि कहां तक उसका रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है. एक सिंपल डिवीजन ही है बट हमें उसको रिप्रेजेंट करना होगा. अब कैसे करेंगे, देखो एक तो एक ब्रांच ट्री मेथड होती है और दूसरी होती है सिंपल मेथड. पहले हम सिंपल मेथड को एक बार लर्न कर लेते हैं. 64 आपको एक ऐसा एरो करना है, यहां से एक बड़ी लाइन खींच लेंगे, राइट? अब यहां पे 2, जैसे कि ये नंबर इवन है मतलब इट इज डिविजिबल बाय 2. अगर ऑड होता तो 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, ओके? अगर हम बात करें 64 की तो यहां पे 64 कब आएगा 2 के टेबल में, 32. अगेन दिस इज एन इवन नंबर, so this will come in the table of 2, so 2, here I will write 16, okay? Again this is an even number, 16 2 के table में आता है, 2 8 जा, फिर से वही चीज 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा. देखो हमें यहाँ पे 1 मिला, अभी got the remainder is 1, so this 64 is the factors of 64 are over here. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So, iske factors ho gaye 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Kaise iska factors hoga? Agar is 6 2 ko aap multiply karoge to you will get 64. How? 2 2 is 4, 4 2 is 8, see, 2 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, and 32 into 2 is 64, see, 32, yes, 16, yes, 8, yes, 4, yes, 2, yes, 1 the remainder. So these are the factors of 64. ये आपके 64 के factors थे. अब हम उसके आगे को एक और number लेते हैं, right? Let us take another number. मेरे पास 64 है, राइट? अब हमने सिंपल मेथड देखी है, उसकी ब्रांच ट्री मेथड देखेंगे. कौन सी ब्रांच ट्री मेथड? सपोज ये नंबर है मेरे पास 64, इसका एलसीएम चाहिए तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 64. देखो अब 64 2 के टेबल में आता है, यस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 हुआ. This will come in the table of 2? Yes. 2 multiplied by 16. Again 16 will be there in the table of 2? 2 multiplied by 8. 8 will also be in the table of 2. So 2 multiplied by 4. 4 will also be there in the table of 2. 2 multiplied by 2 and 2, this 2
is the remainder, that is 1. So HCF for this would be 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Or I can say this 2 will be like 2 multiplied by 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4th, 5th and 6th. So this 2, 2's are 4, 2's are 8, 2's are 16, 2's are 32, 2's are 64. So this was your branch tree method. हमें दोनों method को learn करना है. आपको जो easy लगे, अगर exam में मैंने simple पूछा है या branch tree करके पूछा है, आप लोगों को जो method easy लगे, आप लोगों को वही method use करके इसका answer लाना है. Answer same होना चाहिए. Branch tree करो या फिर ये वाली method करो, पर उसका आंसर सेम होना चाहिए. हमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके द्वारा. ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सो स्टूडेंट, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. हियर आई एम टेकिंग HCF फॉर 48. पहले हम सिंपल मेथड देख लेते हैं 48 कैसे होगा, फिर हम उसकी मेथड को लर्न करेंगे. राइट, ब्रांच ट्री वाली मेथड को. 48 का HCF क्या होगा हमें नहीं पता है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. Take a straight line. Okay. अब 48 2 के टेबल में कब आता है? 24 2 जा इस 48. 2 into 24. 24 is an even number and 2 is also an even number. So 24 will also be there in the table of 2. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Remainder is 0. 12 is 2 into 6, 2, 3 is up, 3, 1 is up. देखो, अब मैंने क्या किया कि 48 का मैं HCF चाहिए था, 2, 2, 2, 2 and 3. अब यहाँ पे 3 क्यों है? देखो, ये 2, 3 is 6 होता है, अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए. तो 3 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में. So, कब? 3, 1 is 3, so remainder is 1. अगर even number की लाइन में कहीं बीच में odd आ रहा है, फिर even आ रहा है, no problem. अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में इवन हो रहा है, फिर ओड हो रहा है, फिर इवन हो रहा है, दैट्स नन ऑफ द इश्यू. अब इसका आंसर देखते हैं, HCF क्या होगा 48 का. 1 2 3 4 चार बार 2 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 3 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. अब 2 2 इज 4, 2 इज 8, 2 इज 16, 3 जा 48. अगर आपको आंसर चेक करना है तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कैसे? This 2 into 2 will give you 4. This 4 into this 2 will give you 8. This 8 into 2 will give you 16. And this 16 multiplied by 3 will give you 48. अगर आपको HCF मिल रहा है, इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो आंसर कैसे चेक करोगे? फैक्टर्स का हर एक नंबर इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो. आपके क्वेश्चन को मैच कर रहा है? अगर हाँ, अगर इसका टोटल 48 हो रहा है और यहां पे भी क्वेश्चन में भी 48 हो रहा है, तो आपका आंसर राइट. अगर यहाँ पे 48 क्वेश्चन और इधर आपका 49, 47, 46 कुछ आ रहा है, तो मतलब आपने कहीं पे गलती की है, आपने कहीं पे गलती की है. राइट, अब हमने एक नंबर का एचसीएफ देखा. अब अगर एक साथ हमें दो नंबर दिए, अगर हमें एक साथ दो नंबर दिए, तो उसका एचसीएफ कैसे लेना वो भी हमें सीखना पड़ेगा. ओके, उसमें तो हमें कॉमन्स निकालने पड़ेंगे, थोड़ी परेशानी होगी, पर कुछ नहीं, हम उसको लर्न करेंगे. राइट, सो लेट अस लर्न दैट थिंग. सो स्टूडेंट्स, अब हमें दो नंबर्स दिए, अब उस दोनों का एचसीएफ निकालना है. पहले हमने जो किया वो फैक्टराइजेशन था, अब हम उसका एचसीएफ निकाल रहे हैं. अब HCF में आपको एक चीज याद रखनी है कि दोनों के जो फैक्टराइजेशन है, पहले आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो एक मेरे पास 12 है और दूसरा मेरे पास 18 है. राइट, तो पहले तो मैं इन दोनों के फैक्टर्स निकालूंगा. अगर मैं 12 की बात करूं तो 2 6 जा 12, फिर यहां पे 2 3 जा और 3 1 जा, तो ये 12 के फैक्टर्स हुए. तो यहां पे मैं 12 के फैक्टर्स लिख रहा हूं,
2 2 4 into 3, 2 2 4, 3 12, and both the sides are equal. वो हम 18 की बात करते हैं, 2 के टेबल में 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, and the calculation is over. So 2 3 6, 3 18, 2 3 और 3. मैंने क्या किया कि पहला मैंने इसके फैक्टराइजेशन निकाल लिए, राइट? अब इसके फैक्टराइजेशन के बाद आपको देखना है कि 12 के फैक्टर और 18 के फैक्टर में दोनों नंबर आने चाहिए, दोनों सेम नंबर आने चाहिए. देखो यहां पे 2 आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है, मतलब एक हमें मिला उसका 2. अब ये 2 और 3 इक्वल नहीं है, दूसरा कोई 2 है इसके साइड नहीं है, 3 है, यस ये दोनों 3 है. सो 2 एंड 3 would be the factors of this. ये 2 के टेबल में भी रहेगा और 3 के टेबल में भी रहेगा. ओके, 2 3 is 6. सो 2 into 3 result is 6. सो दिस वॉज HCF when you have two numbers with you. ओके, सो स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 15 and 20. दो नंबर आपके पास, एक है 15 और दूसरा है 20. तो पहले तो उसके फैक्टर्स देख लेंगे. 15 का गलत देख लेते हैं, इट विल कम इन द टेबल ऑफ 3, नॉट इन द टेबल ऑफ 2. सो 3 5 15 एंड 5 1 5. सो 15 के दो फैक्टर्स मिले हमें, एक मिला 3 और दूसरा मिला 5. उसी तरह हमें 20 के फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. यस, 20 के फैक्टर्स ढूंढते हैं हम. 20 2 के टेबल में, 2 10 are 20, again it will come in the table of 2 2 5 are and 5 1 are, right? So 2 2 are 4 into 5 20, 3 into 5 is 15, right? So यहाँ पे 2 into 2 4 into 5. अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, so 3 इसका आंसर नहीं होगा. 5 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है. सो इसका आंसर हमें क्या मिला, ये 5 दूसरा 5, दोनों के मल्टीपल्स आपको ढूंढने हैं, उसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, 5. सो 5 इज द आंसर फॉर दिस. इसका आंसर क्या मिला आपको, 5, राइट? यस, द आंसर फॉर दिस इज 5. अब इसी के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं. आपको ब्रांच ट्री मेथड भी यूज करनी है, सिंपल मेथड भी यूज करनी है, और उसी के साथ आप लोगों को दो नंबर्स के एचसीएफ को भी ढूंढना है. पहले आप उसके फैक्टर्स ढूंढिए, फैक्टर्स ढूंढने के बाद उसको इस तरह से लिख दीजिए. अब उसमें से दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो. दोनों में कॉमन क्या है, 5 to 5, इसके पहले 2 into 3 6 to 6. सो दिस इज द एचसीएफ मेथड. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will learn about least common multiple, that is LCM. I hope you are clear with this thing. Thank you, students.